सब्सक्राइब करें ऑलमोस्ट शेफ को और बेल आइकन दबाएं मेरी सारी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बनाएंगे कैफे स्टाइल पोटैटो वेजीज। ये खाने में बड़े ही बढ़िया लगते हैं, क्रिस्पी लगते हैं, क्रंची लगते हैं। तो चलिए फटाफट से इन्हें बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इन्हें बनाने के लिए हमें ले लेने हैं आलू। आलू को मैंने अच्छे से पानी में धो लिया है, साफ कर लिया है और अब मैं इन्हें काटना शुरू करने वाली हूँ। मैं यहाँ पे 3 आलूओं का इस्तेमाल करने वाली हूँ और इन्हें इस तरह से काट लूंगी। तो यहाँ पे मैंने ये ले लिया एक आलू, इसे मैं ऐसे 2 हिस्सों में कट कर लूंगी और फिर क्या है, हम ऐसे इसके पतले पतले हिस्से काट लेंगे। याद रखिएगा दोस्तों, आपको इसे पतला ही काटना है, मोटा मत रखिएगा। पतला काटोगे तो खाने में और भी बढ़िया लगेगा। तो बाकी के हमारे 3 आलू भी हम इस तरह से काट लेंगे और फिर पानी से, ठंडे पानी से हम इन्हें धो लेंगे। ये स्टेप हमें इसलिए करना है दोस्तों क्योंकि आलू के ऊपर जो एक पतली सी परत होती है स्टार्च की, उसको मिटा देना है हमें ताकि हमारे आलू और भी क्रिस्पी लगे। अब हम कढ़ाई में दूसरा पानी डाल लेंगे और इन आलू को हमें उबाल लेना है। अब जाएगा इसमें थोड़ा सा नमक और गैस ऑन करके हमें इन आलू को पका लेना है, उबाल लेना है। हमें इन आलूओं को 80% तक उबालना है दोस्तों, इससे ज़्यादा मत उबालिएगा क्योंकि ज़्यादा अगर आलू उबल गए तो वो बैटर में जाते ही टूट सकते हैं। आलू को 80% तक उबलने में 10 मिनट का टाइम लग सकता है, आप चेक करते रहिएगा। यहाँ पे मेरे आलू उबल चुके हैं तो मैं एक आलू को बाहर निकाल के उसे चेक कर लूँगी कि वो ठीक से पका है या नहीं। तो आप देख सकते हैं हमारा आलू ठीक से पक चुका है, हम इन सारे आलूओं को बाहर निकाल लेंगे। आलू को ठंडा भी करना है दोस्तों हमें, तो हम एक कपड़े में इन्हें ले लेंगे और पोंछ लेंगे अच्छे से। अब हम हमारे बैटर की ओर बढ़ते हैं। बैटर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ले लिया है 1/2 कप मैदा, 1/4 कप कॉर्नफ्लावर और 1/4 कप राइस फ्लावर। अब जाएगा इसके अंदर स्वाद अनुसार नमक, फिर जाएगा इसके अंदर लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, फिर जाएगा इसके अंदर ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स, फिर जाएगा इसके अंदर छोटे चम्मच धनिया पाउडर और 2 बड़े चम्मच जितना मेल्टेड बटर। अब इन सारी चीजों को बिना पानी डाले पहले तो हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब शुरुआत करते हैं पानी डालने की। पानी धीरे धीरे ही डालिएगा दोस्तों, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसको मिक्स करिएगा और फिर वापस से पानी डालिएगा, वापस से मिक्स करिएगा और इस तरह से हमें हमारा बैटर तैयार कर लेना है। तो अभी हमारा बैटर बनके तैयार है, बैटर की कंसिस्टेंसी इतनी ही रखिएगा। अब मैंने यहाँ पे 1 पैकेट नाचोस का लेके इसको अच्छे से क्रश करके इसका पाउडर बना लिया है। अब जाएगा हमारी एक आलू बैटर के अंदर और अच्छे से इसे कोट कर लेंगे, फिर हम इसे नाचोस के पाउडर में डाल के उससे भी अच्छे से कोट कर लेंगे। इससे हमारे आलू वेजीज बहुत ही बढ़िया क्रंची क्रंची बनने वाले हैं। सेम प्रोसेस मैंने रिपीट कर लिया है बाकी के आलू के लिए भी और अब हम इन सारे आलूओं को गरम तेल में फ्राई कर लेंगे। हमें इन आलूओं को डीप फ्राई करना है दोस्तों। अब हमारे ये पोटैटो वेजीज बनके रेडी हैं, हम इसे बाहर ले लेंगे। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया क्रिस्पी लग रहे हैं ये। थोड़े आलू मैंने रखे थे दोस्तों, उन्हें मैं डायरेक्टली बिना नाचोस के कोटिंग के ही फ्राई करने वाली हूँ, तो देखते हैं वो भी कैसे लगते हैं।
कैफेज में ऐसे ही करते हैं दोस्तों, उन वो लोग नाचोस का यूज नहीं करते हैं, वो लोग डायरेक्ट ऐसे ही कोटिंग वाले आलू को फ्राई करते हैं, तो हम भी वैसे कर लेंगे। ये भी दिखने में काफी बढ़िया क्रिस्पी लग रहे हैं दोस्तों, ये हमारे बनके तैयार हैं, इन्हें बाहर ले लेते हैं। तो ये जा रहे हैं हमारे नाचोस वाले पोटैटो वेजीज प्लेट के ऊपर। और अब ये जाएंगे हमारे बिना नाचोस के कोटिंग के पोटैटो वेजीज प्लेट के ऊपर। तो बढ़िया लग रहा है ना दोस्तों, आप भी इन्हें जरूर से घर पे ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट्स करके कि आपको ये कैसे लगे। मुलाकात होगी अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।